हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत की टाइमलाइन पर, क्योंकि हमने कल बात की थी जो प्राचीन भारत की टाइमलाइन हम लोगों ने देखी। पिछली वीडियो आशा है आप लोगों ने देख ली होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत की टाइमलाइन पर। आधुनिक भारत की अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन डेप्थ बाद में, ये खाका हमारे दिमाग में पूरी अच्छी तरीके से खिंच जाना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें स्लिप होने लगती हैं और बाद में हमारा इंटरेस्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है हिस्ट्री पढ़ते हुए, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो और चाहे वो अपना भारतीय इतिहास हो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है यूरोपीय कंपनी का आगमन। चार पार्ट में आप इन्हें याद करिए, फोर फिंगर्स पे आप याद कर सकते हैं। पहला है आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन, और दूसरा है मुगल साम्राज्य का विघटन, तीसरा है अंग्रेजों की भारत विजय, और चौथा है भारत का शोषण और नीतियां। ठीक है, इतनी चार चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था उसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपका PDEDF। आपने PDF फाइल सुना होगा, तो जो PDF फाइल है उसी से PDEDF, इस तरह से आप लोगों को याद करना है। दूसरा, आप लोगों को अगर ये जो ईयर याद नहीं होते जिन लोगों को, उन लोगों के लिए एक शॉर्टकट मैंने पूरा बनाने की कोशिश की है जिससे आपको सारे के सारे याद भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर PDEDF तो याद हो गया हम लोगों को। अब उसके बाद आप लोगों को देखना है कि 98, तो 98 किसी चीज से रिलेट कर दीजिए। जैसे मैंने 1798 जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में लेकर बैलेट्स की पब्लिकेशन डेट है, तो मुझे इसलिए 1798 से 1498 याद है कि पुर्तगाली, मैंने इस तरह से याद रख लिया। अब जो दूसरा है उसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 64 है। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, फोन नंबर की तरह इन्हें याद कर लीजिए, 02 08 16 और 64। तो अगर यूरोपीय कंपनियों का फोन नंबर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे 9 9 8 02 08 16 एंड 64, तो आपको याद हो जाएगा PDEDF। इससे बढ़िया शॉर्टकट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मिलेगा कहीं, तो इसे जरूर आप लिख लीजिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। ये जो फोन नंबर भी है ये भी बहुत इजी है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये हो गया आपका 4 2 जा 8, ओके, 8 2 जा फिर 16 और 16 4 जा आपका 64। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 4 2 8, 8 2 16, 16 6 64, इस तरह से आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो PDEDF हमारा हो गया, इतना पोर्शन आपका क्लियर, ठीक है, नो डाउट। अब आते हैं अगला अगले वाले में। ये तो सिंपली नाम है अपने स्टेट्स के और जगह के, तो हमें याद हो जाएगा कि मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ था उसमें जो इम्पोर्टेंट जो प्लेस थे वो था आपका बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक। इन चीजों को देखना है, क्योंकि बाद में जो प्रेजिडेंसीज बनी और वो थी वो भी इन्हीं पर डिपेंड थी। आगे चल के देखते हैं अंग्रेजों की भारत विजय। अंग्रेजों की भारत विजय में सबसे पहले कर्नाटक युद्ध जो 1744 से 63 हुआ था, इसके लिए आप खुद बना लीजिए, लेकिन इन दोनों में मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट से हेल्प कर सकता हूँ कि बंगाल में प्लासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ था, प्लासी और बक्सर का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, बाद में हम इनके बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे, लेकिन पहले कुछ तो याद हो जाए हमें। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि 64 बक्से बने थे प्लास की लकड़ी से, एक पेड़ होता है उसकी लकड़ी से बने थे, तो 57 लकड़ियों से 64 बक्से बने थे, ठीक है, प्लास के 54 लकड़ियों से 64 बक्से बने थे बंगाल में। तो इस तरह से आपको प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध याद हो जाएगा। जो मसूर की दाल है उसका रेट है आपका 99 रुपीज, तो इस तरह से मैंने याद किया है, आप लोग भी याद रख सकते हैं कि मसूर की दाल जब भी आप देखें, खाएं या कुछ भी करें तो उसे आपको मैसूर युद्ध याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कोरिलेशन स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग, कि हम किसी किन्हीं दो चीजों को कोरिलेट कर लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो मुझे पता है कि 1888 में T.S. एलियट का जन्म हुआ था, क्योंकि 1988 में मेरा जन्म हुआ था, ऑलराइट। तो इसलिए आप लोगों को चीजों को इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारी डेट्स याद रखनी होती हैं और ईयर्स याद रखने होते हैं। उसके बाद आता है पंजाब का जो अधिग्रहण हुआ था वो 49 में हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि पंजाब को जो खरीदा गया था वो सिर्फ 49 रुपी में खरीद दिया। इट्स अमेजिंग कि थोड़ा सरप्राइज वाला, आप अपना फेस भी सरप्राइज वाला बनाइए, ठीक है।
और आपको याद रहेगा कि जो 49 रुपीज में बंगाल को खरीद लिया था, खरीदा नहीं था, लेकिन ये शॉर्टकट के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बंगाल पंजाब का जो अधिग्रहण 49 में हुआ था, इससे आप लोगों को याद रहेगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये टाइमलाइन पूरी याद हो जाएगी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि भारत का जो शोषण हुआ था, नीतियों के बारे में हम बात करेंगे बाद में इन डेप्थ। बहुत सारी नीतियां थी जो अंग्रेजों की, जिनसे उन्होंने भारत का शोषण किया था, तो उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है जागरण, सामाजिक और धार्मिक सुधार होने लग गए थे, और उसके बाद आया था राजनीतिक संस्थाओं का की स्थापना, जिनमें मुस्लिम लीग हो गया और कांग्रेस हो गया, ठीक है, और फिर उससे पहले के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के इस पीरियड के बाद के अंग्रेजों के साथ वाले। तो ये सारी चीजें होपफुली कि आप लोगों के दिमाग में फिट बैठ गई होंगी। अब दूसरे वीडियो में हम प्राचीन कालीन जो जिन चीजों से हिस्ट्री का पता चलता है, उन सारी चीजों को करेंगे। तो अगर आप लोग किसी भी तैयारी से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप वीडियो को बेल आइकन अगर दबा लेते हैं तो आप लोगों को मुझे बताना नहीं पड़ेगा, या वीडियो का लिंक बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमें शेयर कर दिया करें, तो अगर आप बेल आइकन दबा लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एक नोटिफिकेशन चला जाया करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में।